अरे ये देखिए दोस्तों, क्या बात है यार, ये देखिए बहुत बड़ा फिश पकड़ा। ये दोस्तों और भी एक फिश मिला है, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा है, क्या बात है। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा है, ये देखिए, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पेट्स व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों आप लोगों की दुआ, आप लोगों की प्यार की वजह से मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो दोस्तों मैं एक्चुअली जा रहा हूँ फिशिंग के लिए, तो वहां पर ना ढेर सारा फिश मिलता है, तो चलिए थोड़ा कुछ फिशिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर फिश मिलेगा ना तो इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फिशिंग का फूड है ना, वो हुक्स पर लगाते हैं। ये है फिश का फीड, तो चलिए देखते हैं कि फिश मिलता है या नहीं, ठीक है। दोस्तों शायद एक फिश फंसा है, तो कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऑलरेडी एक फिश फंसा। ये देखिए दोस्तों, छोटा सा फिश है, ये देखिए बहुत बड़ा नहीं है। तो मैं आप लोगों को पता था कि अगर मुझे फिश मिलता है ना तो यहाँ पर रखूंगा, तो यहाँ पर डाल दिया। और ये देखिए दोस्तों फिश, बहुत ही खूबसूरत फिश है। तो चलिए और भी काफी कुछ पकड़ते हैं, क्योंकि आज तो मैं पूरा फिशिंग ही करूंगा। लगता है यहाँ पर भी एक फिश। एक्चुअली तो धूप काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर फिश नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा समय यहाँ पर कोशिश करते हैं, अगर नहीं मिलते ना तो तालाब से ही फिश पकड़ूंगा। दोस्तों और भी एक फिश मिला है, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा है, क्या बात है। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा है, ये देखिए, क्या बात है यार, आज तो बहुत सारे फिश मिल रहे हैं। तो इन सभी फिश को पकड़ के एक्चुअली जो मेरा तालाब है ना वहां पर छोड़ दूंगा। ये देखिए गाइस, दोस्तों इस जाल में देखिए ढेर सारा फिश आया है, उस जाल में देखिए आप लोग। तो चलिए हम भी फिश पकड़ते हैं। दोस्तों और भी एक मिला है, ये देखिए, अरे नहीं मिला यार। एक्चुअली आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि फिशिंग का ब्लॉग डालो यार, तो आज तो फिशिंग का ही ब्लॉग होगा। दोस्तों इस बार तो पक्का फिशिंग होगा। ये देखिए, अरे ये तो बहुत छोटा है, ये देखिए बहुत ही छोटा सा फिश है, फिर भी रखना तो पड़ेगा ना। यहाँ पर मैं रख दिया। दोस्तों मेरे पैरों में एक्चुअली किसी ने काट लिया, किसी इंसेक्ट ने काट लिया, तो बहुत ही दर्द हो रहा है यार। तो चलिए हम तालाब में जाते हैं, वहां पर ही फिश पकड़ते हैं। बहुत ही दर्द हो रहा है, क्या बताओ आप लोगों को, शायद यहाँ पर कुछ था। दोस्तों ये जो बड़े बड़े चिट्टे देख रहे हैं ना, इसने काटा है मुझे, ये देखिए, ये काफी जहरीला है। तो चलिए यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो हमें फिर से काट सकते हैं। तो चलिए तालाब में चलते हैं, वहां पर दोस्तों ढेर सारा फिश है। दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़े बड़े फिश मिलता है। अरे ये देखिए दोस्तों, क्या बात है यार, ये देखिए बहुत बड़ा फिश पकड़ा यार। फाइनली दोस्तों बड़ा फिश पकड़ लिया, ये देखिए आप लोग, बहुत बड़ा फिश है यार, ये देखिए कितना बड़ा फिश है। दोस्तों हमारे तालाब में ना ढेर सारा फिश आया है, तो चलिए वो पकड़ते हैं। ये देखिए अरे दोस्तों देखिए कितना बड़ा फिश फंसा यार, ये देखिए बहुत ही बड़ा है ये, आज तो पकड़ लिया यार।
दोस्तों यहाँ पर देखिए, आज मैं छोटे बड़े बहुत सारे फिश पकड़ा। ये देखिए आप लोग, एक्चुअली मैं धूप में ज़्यादा समय नहीं रह सकता क्योंकि मेरा जो बीपी है ना दोस्तों वो हाई है। सो ज़्यादा समय धूप में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं फिशिंग से वापस आ गया। तो दोस्तों फिशिंग वगैरह कर लिया, तो चलिए किंगफिशर के बच्चे को छोड़ देते हैं। ये एक्चुअली काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, और इस रूम के अंदर दोस्तों देखिए कबूतर भी आ गया था, तो भाग गया। तो चलिए किंगफिशर के बच्चे को छोड़ देते हैं। ये है हमारा किंगफिशर के बच्चे। दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इसका दूसरा भाई किधर गया, तो भाग गया दोस्तों, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जा नहीं रहा है, मैं इसको खुला छोड़ दिया। अरे यहाँ पर तो पोटी भी किया यार, भागो भागो, ये देखिए चला गया। दोस्तों सुहे को ना एक्चुअली ये न्यूट्रिशन जो है ना वो काफी ज्यादा देना पड़ता है, तो अभी मैं जो चूहा है इन लोगों के लिए जो एक से वो बॉइल करके लाता हूँ, क्योंकि इन लोगों को खाने के लिए देना है। दोस्तों यहाँ पर अंडे बॉईल होने देते हैं। एक्चुअली मेरा और भी काफी सारे काम बाकी है, तो चलिए दूसरा काम करते हैं। दोस्तों ऑलरेडी रात हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए मेरा जो बजट है ना, इनका जो फूड है, तो मैं सोचा कि इनका जो फूड है वो ठीक ठाक है, खत्म नहीं हुआ है, पर मैं ध्यान से देख इन लोगों का जो फूड है ना वो खत्म हो गया है, पानी भी गंदा हो गया है। तो आइए मैं लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो बजट का फूड है ना, आप भी ये समझेंगे कि हाँ फीड तो है, लेकिन देखिए ये जो है ना ऑलरेडी खाया है, जस्ट जो कंघी के स्किन है वो है, तो फटाफट हमें इनको चेंज करके कंघी है वो देना होगा। तो सबसे पहले इसको पैक करते हैं, ठीक है, बाहर पैक करते हैं। और मेरा जो बेनिफिक्स है और टीम के बच्चे भी काफी शोर मचा रहे हैं, तो फटाफट इनको फेड करते हैं, मतलब कंघी देते हैं। ठीक है, ये मैं दे दिया। और उसका जो पानी है ना वो भी गंदा हो गया है, देखिए आपको ये भी फेंक देना पड़ेगा। तो ठंडा और ताजा पानी है वो देना होगा, क्योंकि बाहर काफी गर्मी है और रूम में काफी टेम्परेचर है। अरे फैन को ऑन करना भूल गया, फैन भी ऑन कर दिया, तो अब इतना गर्मी नहीं रहेगा इस रूम के अंदर। दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे खुशी करते हैं कि आपका रैबिट पानी पीता है। दोस्तों मेरा रैबिट ही नहीं, मेरा जो बेनिफिक्स है, मेरा जो बर्जिस है, जो व्हाइट रेड है, सब कुछ पानी पीते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का खरगोश पानी नहीं पीते तो इस चैनल पर ढेर सारा वीडियो है और टिप्स भी है कैसे खरगोश को पानी पिलाना चाहिए, तो प्लीज देख लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर पानी दे देते हैं, एंड तो खैर जो अंडा है वो बॉयल हो गया है, तो चलिए जो मेरा व्हाइट रेड है इनको जो अंडा है वो खाने के लिए देते हैं। दोस्तों अंडे जो है ना वो बॉयल हो चुका है, और मैं जो मेरा चूहा है ना उनको ले लाया, तो सभी को एक एक टुकड़े करके देता हूँ। तो यहाँ पर इसको दे दिया, और इसका जो सैंड है ना ये सूंघ के आ जाएगा, देखिए आप लोग, ये देखिए आ गए हैं, और ये बहुत ही मज़े से ये अंडे खाते हैं। तो इस डोर को बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरा फीमेल है जो बच्चे भी हैं इनको भी एक टुकड़े दे देता हूँ, और ऐसे करके देना होगा। ये देखिए देखिए भाग गया, ध्यान से देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत इस वक्त लग रहे हैं, देखिए कैसे इसको खा रहे हैं। जो व्हाइट पार्ट है ना उसको काफ़ी ज़्यादा ये पसंद करती है, ये देखिए। और इधर मेरा जो मेल चूहा है ना वो अंडे के लिए वेट कर रहे हैं, ये देखिए ये देखिए। चलिए इस डोर को बंद कर देता हूँ, एक्चुअली मुझे याद ही नहीं रहता है कि डोर बंद करना है। तो यहाँ पर एक टुकड़े मेल को दे दिया, ये आ गया। यहाँ पर देखिए मेरा सभी गिनी पिग्स एक्चुअली खड़े हो गए हैं, इनको भूख लगा है, तो अभी का अभी मुझे ग्रास वगैरह देना होगा। और ये देखिए मेरा खरगोश के बच्चे आ गए हैं, ओए होए होए क्यूट बेबी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इस चैनल के साथ जुड़े रहे। खुदा हाफिज।